रुके थे होटल वंदना सागर में, और भोपाल से सांची स्तूपा जाते टाइम हम लोग को दिखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आप जाते टाइम वो विजिट जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ हिंदुस्तान के सबसे पुराने स्टोन स्ट्रक्चर शांति स्तूपा में। ये हिंदुस्तान का सबसे पुराना स्टोन स्ट्रक्चर है जिसे सम्राट अशोका ने बनाया था, और ये 200 रुपए की नोट पर भी है। हमारी इंडिया की नई करेंसी के ऊपर सभी टूरिज्म के फोटोज है, टूरिज्म को दर्शाया गया है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ का एंट्री टिकट है 40 रुपीज़, और ये भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी है, पर है। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल कार से या बस से आ सकते हो, और यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन सांची 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपको वहाँ से रिक्शा आसानी से मिल जाएगी। यहाँ नीचे आपको एक पुराना रास्ता भी मिल जाएगा। अब अगर आपको ट्रेकिंग का शौक़ है तो आप 15-20 मिनट का ट्रैक करके ऊपर आ सकते हो। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हो, ये ग्रीक स्ट्रक्चर है, ग्रीक स्टाइल में बनाया गया है। और ये जो छोटे छोटे आपको ये दिख रहे हैं, ये जो मॉन्क होते हैं बौद्ध, उनकी समाधि है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे छोटी छोटी समाधि बनाई गई है, और ये भी अपने भगवान बौद्ध की समाधि ही है। यहाँ पर आपको आते ही 4 बड़ा सा डोम दिखाई देगा हाफ, और उसके बाद यहाँ पर 4 तोरण है, ये देखिए। ये दिखने में बहुत ही साधारण दिखता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इसको बारीकी से देखें तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना अलग है, कितना बढ़िया है, और इसका क्या महत्व है। और इसके ऊपर पिलर के ऊपर बहुत ही अच्छा कार्विंग की गई है, देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपको गाइड भी मिल जाएगा, और यहाँ का कैंपस बहुत बड़ा है, और यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे स्तूपा भी है। तो हम लोग अभी इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलिए। आई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और ये देख सकते हो, ये बहुत ही मजबूत स्टोन से बनाया गया है, और इसका जो थोड़ा सा पोर्शन है जो सीमेंट का ऊपर का है वो थोड़ा सा गया है, टूटा हुआ है। आप ये सब देख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ से हम लोगों को पूरा व्यू मिलता है, माउंटेन्स दिखते हैं, और जो स्तंभ है और जो तोरण है वो भी ऊपर से बहुत क्लियरली दिखते हैं। उसके जो ऊपर जो कार्विंग की गई है वो बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं, और जो नीचे आधार स्तंभ है जो टूटा हुआ है, वैसे ही उसका जो तोरण है वहाँ पर भी बनाया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये अभी जो स्तंभ है वो टूटा हुआ वो वहाँ पर रखा गया है, और जो ऊपर का जो पोर्शन है लायन का, उसे म्यूजियम में रखा गया है।
तो बहुत ही अच्छी प्लेस है और यहाँ पर जो यहाँ के जो अनुयायी साधु थे उनके भी समाधि है। अब मेरे पीछे नीचे देख सकते हो, ये छोटे छोटे हैं, ये उन लोगों की समाधि है। वो उस टाइम पे यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आते थे और यहाँ पर बहुत सालों तक ये सब चलता रहा, लेकिन 14वीं सदी में ये सब यहाँ पर सब जंगल बढ़ गया, यहाँ पर किसी राजा ने ध्यान नहीं दिया। फिर 1800 में इसको फिर से एक ब्रिटिश अधिकारी ने इसको ढूंढा और इसको अच्छा करने में लग गए। तो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से हम लोगों को बहुत ही माउंटेन का व्यू दिखता है। ये देखो पीछे बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। आप आसानी से सब एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पर आप गाइड भी ले सकते हो। यहाँ पर ऐसे और दो स्तंभ है, ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे स्तूपा है और यहाँ पर ऐसे और दो स्तूपा है। मेरे ख्याल से गूगल में बताया गया कि 17-18 स्तूपा है। पर इसकी स्टोरी ये है कि जब हम गौतम बुद्ध ने निर्वाण ले लिया तब उन लोगों के जो अवशेष थे असली थी वो उसके लिए राजा लोग झगड़ने लगे। तो उसके बाद वहाँ पर एक भिक्षु ने, बौद्ध भिक्षु ने उन लोगों को कहा कि आप इसे बांट लो, तो इसे 8 पोर्शन में बंटवाया। फिर हमारे अशोक सम्राट ने इसे फिर से इकट्ठा किया और इसे 86,000 और बांटा और पूरी दुनिया भर में ऐसे हमारे स्तूपा बनवाए गए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं, बहुत जल्दी है क्योंकि हम लोग को अभी खजुराहो निकलना है और 2 बजे है। लगता है हम लोग को बीच में कहीं पे स्टे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम लोगों ने सिर्फ ये मेन सांची स्तूप ही किया है और यहाँ से ऊपर जाते ही आपको पेंटिंग्स और ये नहीं, वहाँ से एक रास्ता है, वहाँ से ऊपर जाके आपको पेंटिंग्स और ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। और यहाँ से नीचे उतरते भी और एक स्तूपा है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो दूर से ऊपर से दिख गया था इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए। तो यहाँ पर एक टेंपल भी है, फ्रंट फर्स्ट गेट के ऊपर है, जो एंटर करते हैं हम लोग तब वो आता है, बुद्ध का ही है। ये जो छोटा स्तूप दिख रहा है ये जो गौतम बुद्ध है उनकी जो फेवरेट शिष्या थी उसका है। तो इस उसके अंदर से अस्थियाँ मिली थी तो वो निकाल कर वहाँ पर वो टेंपल में रखी गई है। फिर फिर उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। तो वो टेंपल को भी आप आज टाइम विजिट करना। और हम लोग उदयगिरी भी जाने वाले थे लेकिन वो भी हम लोगों ने स्किप कर लिया, हम लोग अभी जा रहे डायरेक्ट। तो बीच में से शायद हम लोग सागर तक तो पहुंच जाएंगे शाम तक। 6 के बाद ड्राइविंग स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, इस रूल के वजह से हम लोग बीच में रुक रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन बाय बाय।